मानसून का आगमन उत्तराखंड के लोगों के लिए राहत कम परेशानी का सबब ज्यादा बन गया है। देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। सोमवार को 8 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में 115 से 204 मिमी तक बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फट गया है। बादल फटने से सेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट गया, जिसकी वजह से शहर में तेज प्रवाह के साथ पानी का सैलाब घुस गया। यही नहीं, उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने की खबर है, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी फैल गई है। दुकानों में पानी घुस गया है, लाखों का सामान तबाह हो गया है। बादल के फटने से आसपास के लोग भयभीत हैं और किसी बड़े नुकसान से बचने की जुगत में लग गए हैं। हालांकि इस घटना से कोई हताहत नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के धुले के बाद आदत नगर इलाके में भी 5 लोगों पर बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य होने के संदेह में लोगों ने पत्थर बरसाए। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दंपति को पत्थर फेंक रहे लोगों के चंगुल से बचाने में कामयाब रही। घटना आजाद नगर थाने की है, जहां बीती रात 11:30 बजे बच्चा चोरी के संदेह में भीड़ ने 5 लोगों को अपना निशाना बनाना चाहा। लेकिन इसी वक्त कुछ लोगों ने 5 लोगों को एक घर में शरण दे दी और पुलिस को खबर की। मालेगांव पुलिस को सूचना मिली कि लोगों ने 5 लोगों को बच्चे के साथ घेर लिया है। इसके बाद अधिकारी पुलिस दस्ते के साथ अकबर अली रोड पहुंचे। पुलिस ने देखा कि भीड़ उस घर पर पत्थरबाजी कर रही थी, जिसमें 5 लोगों ने शरण लिया हुआ था। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के मालेगांव इलाके के कुछ लोगों ने परभणी जिले से कुछ लोगों के साथ बच्चे को देखकर उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस भीड़ को रोकती, भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। पत्थर मार रहे लोग नारे लगा रहे थे कि बच्चा चोरी गिरोह को सबक मिलना चाहिए। पुलिस के आग्रह पर भी भीड़ नहीं मानी और पत्थर बरसाते रहे। परेशान होकर पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया, जिसके बाद सभी 5 लोगों को पुलिस ने भीड़ के चंगुल से रेस्क्यू किया। इस मुद्दे पर आजाद नगर के इंस्पेक्टर ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 5 लोगों के बचाव में पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने पथराव किया। इस दौरान कई घरों के शीशे टूट गए। उन्होंने बताया कि आजाद नगर थाने में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच में पाया कि 5 पर लगाया गया आरोप झूठा था। इस देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में से एक PNB घोटाले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल ने भारत की सिफारिश के बाद नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। यानी अब अगर नीरव मोदी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर दिखेगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंटरपोल के अंतर्गत कुल 192 देश आते हैं। अगर एक बार नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे भारत लाने में आसानी होगी। हालांकि ये इस पर निर्भर है कि नीरव मोदी किस देश में है और उस देश के भारत के साथ किस प्रकार के संबंध है। इस रेड कॉर्नर नोटिस में सिर्फ नीरव मोदी नहीं बल्कि उसके भाई निशाल और सुभाष सरोरा के खिलाफ भी जारी हुआ है। ये दोनों भी नीरव मोदी के कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे। आपको बता दें कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपए का घपला करने का आरोप है। नीरव ने फर्जी LOU जारी कर बैंक से लोन लिए और अब फरार हो गया। गर्मियों की छुट्टी के बाद आज पहली बार स्कूल खुले हैं, लेकिन पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ा हादसा हुआ। मुजफ्फरनगर के छात्रावल कस्बे में एक स्कूल बस पलट गई, जिसमें मौजूद 6 बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये बस नालंदा पब्लिक स्कूल की है, जो खाई में पलट गई थी। आपको बता दें कि जून के गर्मियों की छुट्टी के बाद अब जुलाई में पहले सोमवार से स्कूल फिर से खुले। गौरतलब है कि रविवार को भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बस पलटने से 45 यात्रियों की मौत हो गई। रविवार को उत्तराखंड के पौड़ी के नैनी डांडा ब्लॉक में पिपली भवन मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 44 यात्रियों की मौत मौके पर हो गई, वही एक यात्री की मौत अस्पताल में हुई। दुर्घटना रविवार सुबह की थी, जब यात्रियों से खचाखच भरी प्राइवेट बस भवन से रामनगर जा रही थी। तभी नैनी डांडा ब्लॉक में पिपली भवन मार्ग पर ग्वीन पुल के पास संगुड़ी गदेरे में बस अचानक अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे खाई में गिर गई।
संजय दत्त की बायोपिक संजू बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार एंट्री के साथ रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म बन गई है। संजू की सफलता ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच दिया है। संजू ने वो कर दिखाया है जो अब तक हिंदी सिनेमा की कोई फिल्म नहीं कर सकी। रणबीर कपूर की फिल्म ने एक दिन में बाहुबली का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक बाहुबली ने अकेले तीसरे दिन 46.50 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन संजू के तीसरे दिन की कमाई 46.71 करोड़ के साथ रिकॉर्ड ब्रेकर फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने महज 3 दिन में 120 करोड़ की कमाई के साथ 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। अब तक संजू के नाम रेस 3 का ओपनिंग वीकेंड तोड़ने का रिकॉर्ड था, लेकिन अब फिल्म ने साल की सबसे बड़ी ओपनर पद्मावत को भी पीछे छोड़ते हुए टॉप में जगह बना ली है। पद्मावत ने पहले वीकेंड में 114 करोड़ की कमाई की थी, वही संजू ने 3 दिन में 120.06 करोड़ का कलेक्शन किया है। संजू की कमाई देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। इस फिल्म को ऑस्ट्रेलिया दर्शक खास पसंद कर रहे हैं। तरुण आदर्श ने बताया कि संजू ने पद्मावत को पछाड़ा तो नहीं, लेकिन कांटे की टक्कर देते हुए 3 दिन में 6 करोड़ से ज्यादा कमाई की है।